हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक बार न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग में। मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 10 से 12 दिन ही बचे अपने एम्स के एग्जामिनेशन में, और उसमें जो सबसे बड़ा डाउट होता है ना स्टूडेंट्स का, होता है कि जीके कहाँ से पढ़े, जीके क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि 20 नंबर आता है। 20 नंबर में डिफ्रेंशिएट कर दो आपको, इस 20 में 10+10 है, ठीक है। 10 क्या है आपका? जीके जनरल नॉलेज, और ये 10 जो है वो रीजनिंग बेसिस पर होगा। जो रीजनिंग मतलब जो बैंक प्योर के एग्जामिनेशन में जैसा रीजनिंग आता है उसी टाइप का रीजनिंग आपको मिलेगा एम्स के एग्जामिनेशन में। तो काफी लोगों ने मैसेज किया था कि जीके के लिए बताएंगे, जीके जो 10 नंबर आ रहा है कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें आप यदि 15 स्कोर कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा मार्क्स होगा और आपको एम्स में रैंकिंग आपका काफी सुधार देगा ये 15 मार्क्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काफी लोगों के नहीं आते हैं। देखिए, जीके के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, करंट जो चल रहा है। जैसे मान लीजिए कल ही आपको स्वच्छता का सर्वे आया है कि कौन सा जो रीजन है सबसे बेस्ट हुआ इंदौर, फिर सेकंड बेस्ट कौन है, तो आप कम से कम टॉप 3 का नाम देखिए, टॉप 2 भोपाल, टॉप 3 पर जो है वो चंडीगढ़ है। फिर कल एक और न्यूज आया कि नया एम्स कहाँ खुलने वाला है, किसके लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया नया एम्स के लिए, तो अपना एम्स देवघर में खुलने वाला है झारखंड में। तो ये सब जो चीज़ चल रहा है ना न्यूज, जो पिछले एक महीने का न्यूज है और एम्स के एक दो दिन पहले तक का न्यूज, ठीक है। पिछले बार तो एक दिन पहले का भी न्यूज पूछ दिया गया था उसमें, क्योंकि एम्स का ऑनलाइन कोचिंग क्वेश्चन बनता है तो आपको एक घंटे पहले भी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको करंट पर फोकस करना है, क्योंकि 10 में से पिछले साल भी 7 करंट पर ही था, और उस 7 में से आप यदि गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट में प्लान्स आ रहे हैं जो भी हो उनको आप अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, तो आप उस 7 में से 5 स्कोर जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था, अब वो आया नहीं है, उसका अनाउंस हो गया जो स्वास्थ्य संबंधित प्रधानमंत्री को योजना करके है, तो उसको आपको देखना है, उसके बारे में पढ़ लीजिए कि कितने पर उसका कंडीशंस क्या क्या है वो आ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित एम्स का एग्जामिनेशन है तो एम्स अपने से रिलेटेड हिस्ट्री जरूर पूछेगा। तो एम्स का एक बार विकिपीडिया पर जाकर एम्स का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा कि एम्स का फाउंडेशन स्टोन किसने किया, किनका प्लानिंग था एम्स का वो आप देख लीजिएगा, फिर कितने एम्स है इंडिया में, फिर नया नया एम्स कहाँ खुल रहा है बताया आपको देवघर के बारे में वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब जो अभी एक महीने में जो भी घटित हो रहा है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे साफ हुआ, क्या है, कौन सा पुल लंबा जो बना अभी हाल फिलहाल में, मैं फिर सबको बोल रहा हूँ जो पिछले 1 से 1.5 महीने में जो भी घटित हो रहा है वो भी खासकर इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी है वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। करंट जो भी है अच्छे से देख लेना, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पिछले 15 से 1 महीने का करंट जो न्यूज जीके का है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से हम लोग पहुंचा देंगे, ठीक है, अगले 2-3 दिन के अंदर। लेकिन तब तक आप भी अपनी तरफ से अवेयर रहिए, जो पेपर आता है पेपर डेली स्टडी कीजिए 15 मिनट, ठीक है, उसमें ज्यादा आलतू फालतू नहीं करना, बस आपको बेसिक देख लेना है कि कौन सा क्या उद्घाटन हुआ, क्या बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है, ठीक है, कौन सा पार्टी कहाँ सरकार बना रहा है, ये सब थोड़ा जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। इतना आप कर लेते हैं तो आपका 6-7 मार्क्स कम कन्फर्म है, क्योंकि जो 3 मार्क्स है वो 3 मार्क्स आपके हिस्ट्री से आ सकते हैं, हिस्ट्री में बेसिक आएगा। जैसे मान लीजिए डू वॉट आई किसने बोला, पिछले बार ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया था, ठीक है, फिर कौन किनको नोबेल प्राइज मिला है, किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, किन में मिलता है, फिर अभी किसको नोबेल प्राइज मिला, फिर अभी देख लीजिएगा कि बेस्ट एक्टर जो भी अवार्ड मिलता है वो अभी किसको मिला है, ठीक है। तो ये सब जितना भी करंट है वो देख लीजिएगा, हिस्ट्री में बस थोड़ा मोटा देख लीजिएगा, कैपिटल उपिटल देख सकते हो थोड़ा सा, हिस्ट्री में बेस करके देखिएगा कौन क्या बोला इंडिया से संबंधित, ठीक है, और उसमें एक जो क्वेश्चन जो आएगा मान लीजिए बाहर से आएगा तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपके टारगेट होने चाहिए कम से कम जीके में 7 सही करें, 7 सही करने के लिए करंट जो अफेयर्स है वो काफी रहेगा आपका। फिर आते रीजनिंग में 10 में से आप आसानी से 7 से 8 सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको यदि जनरल आइडिया हो, जैसे आता है मैंने ऐसा आएगा पिछले बार ऐसा ही कुछ आया था, ठीक है, 2, 5, 9 ऐसे कुछ करके आया था सीरीज, आप सीरीज पढ़ते भी होंगे उस टाइप में सीरीज आएंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक दो क्वेश्चन डायग्रामेटिक भी रहेगा, अच्छा एक कोई चीज बोलूँ जीके में भी एक दो डायग्रामेटिक रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको स्वच्छता अभियान का आपको लोगो दे दिया जाएगा और बताना होगा कि लोगो किसका है, तो आपको पता होना चाहिए स्वच्छता अभियान का लोगो, तो आप टिक कर दीजिएगा। उस तरह लोगो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हो, मुद्रा योजना का लोगो दे दिया जाएगा, लोगो बताइए क्या है, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, तो आप वहाँ वो भी देख सकते हैं 7 में से वो दिया जाएगा। और यहाँ 10 में से इसमें भी 2-3 डायग्रामेटिक क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग वाले, जो कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किए होंगे आप 10th या 9th में जब भी होंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें से 10 में से आप 7 से 8 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। खासकर इसमें पिछले बार 2-3 क्वेश्चन क्लॉक पर पूछा था, ठीक है, क्लॉक से जितना भी रीजनिंग बेस्ड है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना काफी है, 15 स्कोर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में जीके का जो भी करंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने, ठीक है। और आपके यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी उनके पास भी अच्छा कंटेंट पहुंचे, ठीक है, थैंक्स।